अरावली पर्वतों की श्रृंखला करीब 692 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला कई रहस्यों से भरी है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक ऐसी ही झील है जिसे मौत की झील यानी डेथ वैली कहा जाता है। ये झील आपको जितनी शांत और सुंदर दिखाई दे रही है, इसका इतिहास उतना ही खतरनाक है। साफ पानी को देखकर आपका भी मन गोते लगाने का कर जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई अनजान शख्स इस पानी में गया तो वो आज तक वापस नहीं आया। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग कहते हैं कि प्रकृति की गोद में बनी इस झील को देखकर आपको सब कुछ सामान्य लगेगा। झील में भरा पानी आपको अपनी ओर आकर्षित भी करेगा। आप अपने आप को झील के पानी में जाने से रोक नहीं पाएंगे, लेकिन झील के पानी में जाने के बाद सब कुछ एकदम से असामान्य हो जाता है। ये शांत दिखने वाला पानी आपकी जिंदगी छीन सकता है। और जब यहाँ के देखते हैं तो ये जगह इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है कि यहीं पर रहना शुरू कर दो, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और जो नज़ारा है बहुत अच्छा है। युवाओं को इस झील के बारे में जानकारी इंटरनेट के जरिए मिलती है। दिल्ली और उसके आसपास बने कॉलेजों में पढ़ने वाले युवा इंटरनेट पर सर्च करने के बाद इस झील पर रोमांच करने के लिए आते हैं। इस झील का नाम इंटरनेट पर डेथ वैली यानी खूनी झील के नाम से मशहूर है। सबको कुछ नया करना है, अगर कोई करता है ना तो एक मतलब जो भी नया ट्रेंड में चलता है तो लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी डेथ वैली तो लोग यहीं ज्यादा आना पसंद करते हैं। झील में डूबकर होने वाली मौतों का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। इन मौतों की मुख्य वजह झील की गहराई का अंदाजा न होना है, जिस वजह से पानी में जाने के बाद लोग इस गहराई को माप नहीं पाते और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इसकी गहराई अभी तक किसी को पता नहीं चली कितनी कितनी नहीं है। इसमें ना काफी सारे पत्थर हैं और उस पत्थर के ऊपर जैसे भी कोई बच्चे नहाने वाने के लिए जाते हैं तो पैर फिसल जाता है बच्चे, और लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा कम गहरा है, लेकिन इसकी गहराई आज तक नहीं पता चला कितनी गहराई है। झील में डूब कर लगातार हो रही मौतों के बाद प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बनी कि इन मौतों पर कैसे अंकुश लगाया जाए। पुलिस की तरफ से वहाँ अलर्ट है और हम लोगों ने सबसे आग्रह किया है, बार बार भी करते रहते हैं कि वहाँ आए तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सडन वहाँ पे गहराई है तो कोशिश करें कि उस झील में ना उतरें और जो प्राकृतिक स्थल है वहाँ उस पर आप बैठें, एंजॉय करें, बट सावधानी का ध्यान रखें। फरीदाबाद की अरावली में बनी इस खूनी झील की कहानी का हर पहलू आपके सामने है। अब तक सैकड़ों जिंदगियां इस झील में खत्म हो चुकी है। ऐसे में आप रोमांच के खातिर इंटरनेट पर सर्च करके इस झील पर आना चाहते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इस झील की भौगोलिक दशा किसी भी लापरवाही को माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।